जणे राजांकर तीनोटी झियो थिले आउ राजा तांक तीन जण झियोंकु बहुत फल पाउथिले आउ राजकुमारी माने भी तांक पितांकर बहुत जत्न नउथिले। गोटे दिनर कथा, महाराज महाराज शत्रु माने आक्रमण आरंभ कर देलेनी आ गुप्तदर माने खबर दैछन्ती जे सेमानकर उद्देश्य अछि सेमाने आपनक झियो को अपहरण करि ए राज्य को हासिल करिवे। सेनापति तमे गोटे काम करो, मो झियो मानकु जंगल को नि जाओ आ जे पर्यंत मो आदेश न दैछि सेहिठी रहो। सेनापति महाराजक कथा माने राजकुमारी माननकु जंगल को नै गले। मते बहुत भोक लागुछि, तमे आम पई किछ खाइबा को आण सेनापति। जहा आपनक आज्ञा। संध्या हेगला हेले सेनापति फेरिलेनी, तेणु राजकुमारी माने तांकु खोजिबाकु लागिले। राति हेगला आउ राजकुमारी मानंकु डर लागिला। राजकुमारी माने रथ पाखकु आसि अपेक्षा करि करि सोई पड़िले। भोर भोर अचानक सान राजकुमारी बालना उठि पड़िले ओ डरी गले। राजकुमारी माने उठि पड़िले आउ तांको सामनारे राजकुमार माने ठिया हेथिले जे जंगल रे शिकार करुथिले। राजकुमारी माने तांको सबु घटना कहिले। जदि एमिति कथा ताहाले राजकुमारी मानंकु आमे विवाह करिवु आउ आपणक राज्य को बंचेइबु। राजकुमारी माने राजकुमारक सहित महल को फेरिले आउ महाराजंकु विवाह विषय रे कहिले। ये तो बहुत खुशी रा कथा कि आपण माने मो झियो मानन को विवाह करी मो राज्य को बचेइबे। राजकुमारन को बाहागर राजकुमारी मानन को सहित बहुत धूमधाम रे हेला। राज्य रे सुख भरी गला। कोटे वर्ष परे छोटो राजकुमारी बालना कर छियटिए हेला। काहे कि ना छोटो राजकुमारी सबुटी गेला आउ समस्त याकु भलो पांदे एति पई या नाम प्रीति। प्रीति किछि मासर थिला ता बापा शिकार करबा को जंगल को बाहरी गले। गोटे मास हे गला प्रीतिर बापा जंगल रो फेरी लेनी। आमे भी जंगल जाउचू, आमो सानो भाई भैरव को खोजिबू। दुई भाई जंगल को तो चली गले हेले तांको भितरो केही भी जंगल रो फेरी लेनी। एबे प्रीति गोटे वर्ष रो हे गला आउ अगणा रे खेलुथिला सेतेबेले जणे फकीर आसिले। भिक्षा भिक्षारी हो मा। बालना महल को जाई किछि फल आनी आसिले। फकीरा बालनार सुंदरता देखि बहुत आकर्षित हेले आ से तांको रूप बदलाइले। तमे तो बहुत सुंदर, तमे मो स्त्री हेबा दरकार। मो पति राजकुमार भैरव एबे भी जीवित अछंती आ मु तम परि भंडर केबे भी स्त्री हे परिबिनी। बालनार कथा रे जादूगर रागी जाय आ से बालना को साथिरे नेकी पळाए। राजकुमारी माने प्रीतिर कथा सुनी प्रीति पाखरे आसी पहुंचिले आ बालना को कोठे न पाई आश्चर्य हेले। प्रीतिर मौसी माने तार बहुत भल भाबरे जत्न नेले। प्रीति मौसी माने को पाखरे बड़ हेला। प्रीति 12 वर्षर हेई गला। मो बापा कहंती गोटे थर से जंगल को जाईथिले। प्रीतिर मौसी प्रीति को ता बापा मा ओ मौसांक विषय रे कहिले। मा मो मो बापा मा आ मौसांक खोजी आनिबी। हाउ चति तू फेरी कि न आसिलु ताहले मु गोटे मास पर्यंत तांकु खोजीबी। जदि तथापि मते से माने मिलिबेनी ताले मु महल को फेरी आसीबी। सत्तरे ठीक अछि केवल गोटे मास। राजकुमारी प्रीति तांक संपर्कियंकु खोजिबाकु बाहरी गले। से बहुत गांकु गले जंगल को गले हेले तांक बापा मांकर किछि भी चिन्ह बर्ण पाइलेनी। गोटे दिन राजकुमारी गोटे पथुरिया गांकु गले। सेठी तांकु जणे वृद्ध महिला देखा हुंती। मां आपण मते कहि परिबे एटा को जगह। मां तू एठा को आसीबा कथा नुह, ये बहुत विपदपूर्ण जगह।
ये जादूगर पंच किन्नर कड़ मुठिक मो संपर्कियों को खोजाप राजकुमारी प्रीति महिला को सब कथा विस्तार भाव कहे तम बापा आउ मौसा एठ पथर रे बंदी अच्छा आउ तम माँ जादूगर को बहुत नक दोष कुंफार ऊपर कोठरी रे बंदी अच्छा आपण को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त करी मो साथी रे नहीं जी एटा एते सहज नुह बुढ़ी जनक प्रीति को गोटे उपाय दिए किछि समय परे राजकुमारी प्रीति बुढ़ीर झी हो कुंफा पाखरे पहुँचे आ सिपाही मानक ठारु लुचि कोठरी पाखरे पहुँचि जाए बालना कोठरी रे बंदी थाए मा, मा। प्रीति कौन तुम्हें प्रीति हो मा तोर ये आसबार नथिला मो मा ए राक्षस जादूगर तत्ते भी बंदी करी दबो जमा भी नुहे मा हेले तमे मते साहाज्य करबा दरकार तमे जादूगर को कहिबा को पड़िबो तमे जादूगर को बाहबो बोली आ तापर तमे ता शक्तिर रहस्य ताठरु बुझि नेबो ठीक अछि मा जादूगर पंचकिन मु तमको विवाह करया पे प्रस्तुत अछि हटात ठीक अछि असुविधा नै भलो हला बोधे तमे बुझी गलो जे तम स्वामी आउ एठकी केबे भी आसिबेनी मु तुमको काली ही विवाह करबी मते टिके समय दरकार मु एपर्यंत केवल तमको घृणा करिछि हेले तमको जानिबाकु आ बुझिबाकु मते टिके समय लागिबो ठीक अछि कोन तमे अमर ना शरीर बदलै पारिबो ना निज शरीर त्याग करि अन्य शरीर रे प्रवेश करि पारिबो एते गुडाई प्रश्न मो साधारण लोकन कोठु अलगा हेले मो अमर नुह मो जीवन पूर्वरे थिबा जंगल रे नीलगिरी रो गछरे थिबा गोटे सुवाठारे अछि जे पर्यंत से बंची छि मोर किछि भी होबनी ता पर दिन राजकुमारी प्रीति आसिले आ बालना सब कथा तांको कहि देले एबे तो मु तुमको बापांको आउ मौसांको निश्चित मुक्त करिवि प्रीति जंगल को जाए सेठी से नीलगिरी गछरे थिबा गोटे सुआ को देखे हे देख जे तो बहुत ऊपर बसी छि प्रीति ता पॉकेट रु मिठा खंडे बाहर करे आउ गच्छ पाखरे थिबा पत्थर उपरे रखि दिए किछि समय परे सुआ तळकु आसे आ प्रीति ताकू सांगे सांगे धरि पकाए आ सांगे सांगे ता बेकटाकू मोड़ि दिए जादूगर मरि जाए आ तार सबु जादू उभेइ जाए समस्ते मुक्त होइ गेले प्रीति को ता संपर्कय मिलि गेले आ ता बापा मां भी प्रीति गोटे मास भितरे महल को फेरी आसे ता पुनी पूरा राज्य परिवार को साथी रे नै आ ता परे से सब बेले खुशी रे रहिला।